और खबरों में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर रायसेन पुलिस लगातार अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत पुलिस ने सिलवानी क्षेत्र के कई आरोपियों के खिलाफ में छापा मारकर कई लीटर देशी शराब जब्त की है। सभी आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस शराब माफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा मुक्ति के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें लगातार निर्देशित किया गया कि जहाँ भी अवैध रूप से जो भी मादक पदार्थ या नशे की वस्तुएं का विक्रय या जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उन तत्काल सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। और इसी तारतम्य में अभी अनुभाग सिलवानी में 3 प्रकरण गांजे के पंजीबद्ध किए गए हैं और 6 प्रकरण अवैध रूप से शराब बेचने के अलग अलग ग्रामों से सूचनाओं के आधार पर किए गए हैं। और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी इसमें लापरवाही पुलिस अधिकारी की पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।